वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब हमारा टाइम है एक सोशल इशू डिस्कस करने का। सोशल इशू कह लें, कुछ फैमिली इश्यूज कह लें, कुछ भी कह लें। आज हमारे पास जो मेहमान होंगे, मैं टॉपिक का तारुफ तो टॉपिक बताती हूँ लेकिन मेहमानों का तारुफ मैं करवा दूँ। हमारे साथ जनाब मौजूद होंगी इरम तारिक जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, समरा अमीन होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों को वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लेडीज। आप दोनों बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं एज यूजुअल। और इतने प्यारे प्यारे हम जोड़ों की बात ही कर रहे थे, फलाने ने जोड़ा कहाँ से लिया, फलाने जब खवातीन बैठी हो तो यही डिस्कशन रहती है। जनाब आज का टॉपिक हमारा कुछ तरह से इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि औलाद यानी कि बच्चों का जो एक्सपोजर है होना और वालिदैन का एक्सपोजर ना होना, जिसको हम कंजर्वेटिव भी टर्म यूज़ करते हैं। कि आप अक्सर बच्चे भी घर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अम्मी अब्बू मेरे कंजर्वेटिव हैं। बेसिकली जनरेशन गैप और उसके साथ साथ जो आपके बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स, जो पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो किस तरह से हम पर इम्प्लीमेंट होते हैं या हम उसको किस तरह से रिजिस्ट करते हैं, तमाम सिनेरियो पर डिस्कशन करेंगे इन दोनों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आऊँगी इरम, हम बात करते हैं जनरेशन गैप की, कंजर्वेटिव होने की, फिर एक्सपोयर होना ना होना, ये सारी टर्म्स जो है, टर्मिनोलॉजी हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये जो टर्म है ना कंजर्वेटिव पेरेंट्स की, ये बच्चों की तरफ से आती है। ये छोटे जो जूनियर्स हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। कंजर्वेटिव नहीं होते पेरेंट्स, मेरा ख्याल है वो बच्चों के लिए केयरफुल होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस होते हैं, उनको लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो केयरफुल होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एज होती है उनकी, वो बहुत कुछ एक ही वक्त में करना चाहते हैं बगैर नतीजे पे नज़र रखे, उन्हें नतीजे का पता नहीं होता। जब पेरेंट्स उनको रोकते हैं या उनको एडवाइस करते हैं तो वो फिर ये शिकायत करते हैं हमारे पेरेंट्स जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं, आपको तो, बल्कि बच्चों का सेंटेंस होता है मामा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, बाबा आपको आपके वक्त में ऐसा होता होगा। हालांकि बहुत वक्त नहीं गुजरा होता कि कोई सदियां गुजर गई हों, लेकिन ये आज के बच्चों का एक आम सा सेंटेंस है। कुछ कुछ चीजें तो चेंज हुई है ना, जैसे हम उस चीज को एडमिट करें कि ये चीजें हैं जो टाइम के साथ साथ बदल रही है। और वैसे भी आपका रिलीजन या आपके उसके मुताबिक भी कि जदीद दौर या जो दौर है उसके मुताबिक अपने औलाद को लेकर चेंजेस जो है ना, चेंजेस हर रोज आ रहे हैं। बिल्कुल, अब तो बहुत ही फास्ट आ रही है। Exactly. लेकिन पेरेंट्स भी, यानी मैं जैसे एक अब कहती हूँ कि मैं भी एक सीनियर मदर हूँ, मेरे भी बच्चे अब बड़े हैं, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, बच्चों के अंदर वो ज्यादा है, जोश ज्यादा है उनके अंदर, उनका एक्सपोजर ज्यादा है, नो डाउट। उनके रिफ्लेक्सेस हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सम टाइम्स, बल्कि एवरी टाइम वो केयरफुल नहीं होते। वो तो जाहिर है, माँ बाप से अच्छी केयर तो कोई कर ही। अब जैसे कल मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी तो मैं उसे कह रही थी कि क्या मुसीबत आ गई, क्यों इतनी तेज ड्राइविंग आज, क्यों आपकी इतनी तेज हो रही है, क्यों इतना फास्ट जा रहे हो आप। तो वो बच्चों को समटाइम्स तो नहीं वो कुछ कहते, लेकिन कभी उन्हें नहीं भी अच्छा लगता, नहीं लगता। तो वो फिर ये वाली टर्म यूज करते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, देखें तो सही बाकी लोग कैसे जा रहे हैं। तो ये बात होती है। और बाकी ये है कि कोऑपरेटिव होना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो एज और ये एज जो है उसमें थोड़ा सा जो गैप आता है उसमें तब होता है, लेकिन मेरा जो ख्याल है वो ये होता है कि पेरेंट्स कंजर्वेटिव नहीं है, वो केयरफुल है अपने बच्चों के लिए। जो गलती उनसे हुई है वो चाहते हैं बच्चों से, बच्चों को वो नुकसान हो गया। डॉक्टर समरा जी, हम यही बात जैसे इनके कंजर्वेटिव ये टर्म्स बच्चों की जानिब से नो डाउट दी गई है। बहुत सारे मॉडर्न इन द सेंस हम कह लें कि जिन पेरेंट्स का एक्सपोजर है वो भी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, चाहे आप अपेरेंटली लग रहे हो कि आप बहुत वो खुले डुल्ले माहौल के पेरेंट्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स पेरेंट्स ही है। एग्जैक्टली ये है। अब देखिए, कंजर्वेटिव वर्ड इज अ वेरी रिलेटिव वर्ड ना। देखिए, वेस्ट में कंजर्वेटिव किसी और को कहेंगे, लिबरल कुछ और कह देते हैं। यहाँ पे हमारा अगर कंजर्वेटिव पेरेंट्स की मैं बात करूँ तो यस, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट आई शुड से, बट अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त नहीं हैं, देखें तो फिर तो बच्चों को पेरेंट्स हमेशा कंजर्वेटिव भी लगेंगे, उनको पेरेंट्स गलत भी लगेंगे। सो मेकिंग मूव, जो अपने बच्चों की तरफ आपने बढ़ना है एक दोस्त के तौर पर, वो बच्चा आपका दोस्त नहीं बनेगा, आपको अपने लेवल को नीचे लाना पड़ेगा बच्चों को समझने के लिए। अब बच्चे ने एक्सपेरिमेंट भी करना है, अगर वो मेल चाइल्ड है तो उसके हॉर्मोन्स में इनबिल्ट है, उसने एक्सपेरिमेंट करना ही करना है। बट जस्ट मैं ये समझती हूँ कि अगर पेरेंट्स बच्चों के दोस्त हैं वो कंजर्वेटिव नहीं रहेंगे फिर। बच्चा आपको हर बात अपनी बताएगा भी, बच्चा जैसे अपने दोस्तों के साथ खेल के लाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग इज द एप्रोप्रिएट वर्ड,
अप्रोप्रिएट वर्ड कि ये इस जनरेशन गैप को हम जब खत्म करना चाहते हैं, पहले तो पेरेंट्स ये सोचें कि आप अपने बच्चों से चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि वो एक स्मार्ट बच्चा बने, वो दुनिया की चैलेंजेस भी फेस करे, फिर वो अच्छा कमा के भी लाए घर में, अच्छा उसकी बेगम भी जमाने के लिहाज से हो, आपका अदब भी करे। मगर ये चीज़ें जब इनोक्यूलेट आपने करनी है उस बच्चे के माइंड में, फिर अगर आप सख्ती से करेंगे अपने कंजर्वेटिव माइंड को रख के कि जी मैं बाप हूँ या मैं माँ हूँ, तो मैंने तो ये इसको जो है ये समझाना और इसके माइंड में ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए कि इसने ये बनना है, उसका तरीका फ़र्क है। देखें, अगर आपने कंजर्वेटिव नेचर के साथ चलना है, और जी हमारा बाप मार के हमें समझाता था, उस्ताद मारते थे तो बच्चे को समझ आते थे, दिस इज टोटल ऑब्सोलीट नाउ। मारना और डांटना बच्चों को अब नहीं चलेगा। आपके आपके बच्चे आपके बच्चे बिल्कुल रिबेलियस हो जाएंगे अगर आपने मारा, या बच्चों के सामने माँ बाप लड़े या बच्चों को डांटा, ये चीजें बच्चा आपने उसी टाइम बच्चे को लूज कर दिया ना, आइंदा वो आपकी बात सुनेगा ना अमल नहीं करेगा, मतलब अमल तो होगा ही नहीं। और अमल तभी होगा जब आप उसके साथ फिर फ्रेंडली होंगे, और फ्रेंडली होने के लिए फिर आपको जाहिर है आपको डांट भी एक साइड पे रखनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चा चाहता क्या है और हम बच्चे से क्या चाहते हैं। जब तक आप फ्रेंड नहीं बन सकते ना बच्चे का, होना और अंडरस्टैंडिंग होना आजकल के पेरेंट्स में बहुत सारे में है, मैं ऑब्जर्व भी करती हूँ। कुछ लोग शायद रिलक्टेंट होते हैं कि हमारे मेरे अबा को, अब मेरी अम्मी और मेरे अब्बू को ये लगता है कि अगर हम ज्यादा इनसे दोस्ती रखेंगे तो ये फिर हमारा डर नहीं रहेगा। नॉर्मली पेरेंट्स यही सोचते हैं, हालांकि ऐसा होता भी है लेकिन कहीं ना कहीं दोस्ती जरूर है। लेकिन अब के वक्त ऐसा है, ये दौर वो है जब डर नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझना चाहिए। अभी मैम ने ये बात की कि बच्चे को मारना या डांटना, अब तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें भी ऑब्सोलीट हो गई नहीं हैं, अब ये भी होनी भी नहीं चाहिए, ये अब इनकी ज़रूरत नहीं है। बच्चे को अंडरस्टैंड करें तो बच्चा आपको भी अंडरस्टैंड करेगा। एक चीज़ है, बच्चा एक काम बार बार करता है वो तो बच्चा है, छोटा है, ज़ाहिर है बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं हमसे तो छोटे ही रहेंगे ना, बच्चे ही रहेंगे वो। उनको एक बात आपको ये पता चलता है कि ये जब बाहर जाता है या ये ड्राइव करता है या कोई भी काम करता है, आप उसको उसी टाइम पे उसी पॉइंट पे बार बार जब टोक देंगे ना तो वो इरिटेट हो जाएगा। कौन सा ऐसा तरीका हो कि कन्विंस किया जाए, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है पेरेंट्स का, प्रॉपर एक इफेक्टिव तरीके से उसको कन्विंस करें, फिर वो जरूर इफेक्टिव होगा, उसका असर भी होगा और कम से कम आपकी मौजूदगी में वो काम नहीं करेगा। केयरफुल होगा, और जब आपकी मौजूदगी में नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट बन जाएगी, फिर वो आपके बगैर, जब आपके गैर मौजूदगी में भी वो काम। हम दौर की बात कर रहे थे, दौर बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, बच्चों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो हम कंजर्वेटिव टर्म या हम कहते हैं कि वालदैन समझते नहीं है बच्चों को इस तरह से, तो ये सोशल मीडिया हमारे एक्सपोजर से फ़र्क आया है? सोशल मीडिया से तो फ़र्क आता है, यानी ये भी बात है कि किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उन्हीं फिर पेरेंट्स का कितना चेक है सोशल मीडिया को, बच्चे अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनका माइंड सेट क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या हैं, ये अगर देख रहे हैं उनकी सुपरविजन में अगर वो डेवलप हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव होंगे, अगर वो सुपरवाइज नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होंगे। वो तो होंगे क्योंकि ये तो इंसान की साइकी है ना कि नेगेटिव तरफ जाना बहुत आसान है, पॉजिटिव की तरफ आना थोड़ा मुश्किल है, तो आसान रास्ता बच्चे अख्तियार करते हैं। लेकिन बात यह है कि पेरेंट्स को एक चीज़ समझनी चाहिए कि वो भी तो किसी बात से इरिटेट होते हैं ना, जब एक ही बार बार गलती होती है तो फिर जो इरिटेशन उन्हें होती है उस चीज़ को वो बड़े हैं तो वो समझें कि वही बात बार बार अगर वो एक ही एडवाइस बच्चे को बार बार करेंगे वो भी इरिटेट होगा। जब आप खुद इरिटेट होते हैं, अच्छा फिर क्या होता है जो आम घरों में होता है, फादर ये कहते हैं तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था मेरा, तुम्हें अच्छा पता है कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, तो वो उसकी एक फायदा ले जाते हैं इमोशनल, ठीक होना। लेकिन बात ये है कि इरिटेशन आपको होती है, इंसान है पेरेंट्स भी, उन्हें किसी बात से तो उसी से बच्चों को भी होती है, तो आपको समझना चाहिए कि मैंने इसको एडवाइस करनी है या ठीक करना है इसे, तो मैंने कैसे कहना है, इफेक्टिव वे क्या होगा इसकी, हाँ। इस टाइम पे डांट के कहना चाहिए, प्यार से कहना चाहिए, मतलब या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली दोस्ताना अंदाज में कहना चाहिए, देखो बेटे फिर वही काम किया, तो जरूरी नहीं हर वक्त डांटा जाए, वो इरिटेशन। अच्छा एक और बात जो मैं बिल्कुल, आप दोनों इस चीज से खिलाफ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंड में हमेशा ये चीज है कि हम बड़ों से ही सीखते हैं, मतलब हम सीखते हैं नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटों में भी वो चीज होती है कि
कोई वालिदैन है, कोई बड़ा है, तो वो किसी छोटी बात से बच्चों से भी सीख सकता है. हमारे ये वालिदैन को मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आप उनको कुछ चीज समझा रहे हैं या कुछ चीज कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे से कहेंगे आपको नहीं पता, हमने हमसे सीखना चाहिए, हाँ. आपको आप हमें ना सिखाएं. हालांकि बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिखा सकते हैं. एक पूरी साइंस है एक बच्चा. आई मीन आपको मैं बताऊं, देखिए हमें पेरेंट्स के तौर पे उनको, हम जब तक रोल मॉडल्स उनके लिए नहीं बनेंगे, नसीहत करने का कोई फायदा नहीं. जो आप अगर चाह रहे हैं, देखिए विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम आपने बता देना है बच्चे को कि बेटा, और अपनी भी लिमिट्स बता देनी है कि बेटा ये मेरे घर की लिमिट्स हैं. मेरे घर में अगर आपके दोस्त आएंगे जरूर बैठें, दरवाजा लॉक नहीं होगा. एट द सेम टाइम आप अगर डांट नहीं रहे, प्यार से दोस्ती भी बढ़ा रहे हैं, तो बट आके बच्चों से इंटरेक्ट करें. हाँ, ये चीज के ये हमारे एक सर हैं, वो कहते होते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन नो. सो ये है पेरेंट्स में, आपको नो कहना भी आना चाहिए, और वो नो कहाँ कहना है वो आपको पता होना चाहिए, और बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ ये वो बात है जहाँ मेरी मामा या मेरे पापा को बुरा लग जाएगा, हाँ, और हाँ, वो ये मैंने नहीं करनी. और वो तभी आएगी जब आपने रोल मॉडल बन के उसके साथ रिपीटेडली इंटरेक्शन रखी होंगी. डॉक्टर समरा, मैं छोटी, मेरी अम्मी इज नॉट अ सोशल पर्सन, मेरे अब्बा थोड़े फ्रेंडली से हैं, नो डाउट वो लगते नहीं, बट जब मेरी फ्रेंड स्कूल लाइफ में जब मेरे घर आती थी, मेरी अम्मी को नहीं पता था कौन है. मेरे अब्बा ने आना ना तो उन्होंने प्यार से सबसे बात हेलो करनी है, और उन्होंने इस चीज में जज भी कर लेना है कि कौन से मेरे दोस्त है और कौन आई है, और उन्होंने अपना काम करके चले जाने. आफ्टर दैट वो रिलैक्स्ड है, और मुझे भी किसी ने कोई इंटरप्शन नहीं. हाँ, ऐसा मतलब ये एक एटीट्यूड पॉजिटिव है. एग्जैक्टली ये नहीं कि जी तुम्हारे दोस्त आ गए ये हो गया. हाँ. नो प्लीज, आपने फ्रेंड बनना है, आपने फिर अपनी लिमिट्स भी डिफाइन करनी है. हाँ. एंड देख लें कि जी ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल्स वो वायलेट ना करे. इस्लाम के आपने जब तक उसको फराइज उसके माइंड में इनोक्यूलेट नहीं हो जाएंगे कि नमाज है, हज है, सदका अपने हाथों से दिया करें. बच्चे ऑब्जर्व करते करते बड़े हो जाते हैं और पता नहीं लगता माँ बाप को. जो आप गलत करेंगे बच्चे के माइंड में वो भी बैठ जाएगा, जो आप सही करेंगे वो भी बैठेगा. माँ बाप के हाथ में है कि वो अगर कंजर्वेटिव हैं तो किस हद तक हैं और किस हद तक रहना है. और बच्चे को ये मौका ना दें कि वो आपसे अफेंड होके तो अपनी दुनिया अलहदा बना ले. जेनरेशन गैप का ये मतलब नहीं है कि वो फिल इन नहीं हो सकता. पेरेंट्स बहुत आसानी से जेनरेशन गैप को फिल कर सकते हैं. वही वर्ड है, बी फ्रेंड्स विद योर किड्स एंड देयर फ्रेंड्स आल्सो. उनको वेलकम करें, उनको अच्छे बुरे की तमीज बताएं. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद डिस्कशन भी करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.